मगर अब ऐसा क्या हो गया कि फजर पढ़ के जिम करके डायरेक्ट तुम फार्म पे आ जा रहे हो। दरअसल बात ये है, अपने ना वोटिंग करते चलो, स्ट्रीट हॉक रखने का या टीरेक्स रखने का, ये दो नाम के लिए कमेंट करो, जो नाम के कमेंट सबसे ज्यादा रहेंगे वो अपन डन कर देंगे। वो लड़के को सब्र नहीं है, बिल्कुल भी सब्र नहीं, रिलैक्स होकर चलाने का रे गाड़ी। आज भी यही पे यार, ये तो फिर हमारी मुलाकात सवेरे सवेरे कौवे से हो गई। आज जेट स्की को नहीं लेके जा रहे हम, नहीं क्या लेके जा रहे, नहीं लेके जा सकते हम, क्योंकि जब हम जिम चले जाते हैं उसके बाद घर पे लगती है जेट स्की, इसके लिए हम नहीं लेके जा सकते, तो हम जा रहे हैं हमारी स्ट्रीट हॉक पे सवेरे के 6:25। 5 मिनट में जिम खुल जाएगा, जब तक हम पहुँच भी जाएंगे। शेर के पंजों से बचने के लिए हमने इस पे सिक्योरिटी बिछा दी थी पूरी, एक पत्थर और एक पोता, ताकि इसके ऊपर शेर चल ना सके। क्या लगती है ना माशाल्लाह, मजेदार। चलो स्ट्रीट हॉक ले चलो हमें। कुछ दिन पहले ना तुमको मैंने एक फूल की बात किया, देखो ये झाड़ पे लगते हो फूल नीचे गिरे हुए, ये हमारे घर का ग्राउंड, यहाँ पे हम फुटबॉल खेला करते थे और यहीं पे आके बैठा करता था मैं इसी झाड़ के नीचे। तब ये सब ऐसा नहीं था, ये कंपाउंड वम्पाउंड नहीं था, तो उसकी सुगंध तो नहीं आ रही मेरे को, मगर वो फूल दिख रहे हैं। अगर वो खुशबू आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगी, तो फूल उठा के सूंघना पड़ेगा, मगर आज नहीं, काफ़ी टाइम हो रहा है हमें। टाइम हो गया 8:30, कैलोरीज बर्न हो गई 878। 2 घंटे लग ही जाते, देखा आपने, 6:30 बजे मैं जिम पहुंचा, वर्कआउट करते करते हमको 2 घंटे लग गए। चलो वर्कआउट तो हो गया, आज हमारा बैक बाइसेप्स था, कर लिया हमने, अभी फ़िलहाल बढ़ते हैं घर के तरफ और फटाफट करते हैं सब कुछ, समेटते हैं सब कुछ। चलिए भाई साहब, सवेरे के 9:09, 9:10 हो गए, हम तो निकल रहे फार्म पे, इंशाल्लाह जल्द से जल्द पहुँचते हैं। ये टाइम तक हम जिम में रहते थे और अब देखो जिम करके फार्म के लिए निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला ना बदलाव ज़रूरी है, अगर वो अच्छे है तो। चलो सुबहानल्लज़ी सखरा लना। अरे एक चीज़ बताना ही भूल गया, कुछ लोगों ने नाम सजेस्ट किए थे ना, उसमें से सबसे अच्छा मेरे को एक नाम लगा था, वो था टीरेक्स, बहुत अच्छा नाम था वो, मैं सोचा था वही देने का, मगर वो मेरे ज़बान पे आ गया वो नाम स्ट्रीट हॉक, तो मैंने स्ट्रीट हॉक बुलाना शुरू कर दिया इसको। स्ट्रीट हॉक जो सजेस्ट किए थे ना, वो यासर भाई ने सजेस्ट किए थे, कल जब मैंने इसको देखा ना तो मेरे जहन में मेरी ज़बान पे तुरंत से वही नाम आया स्ट्रीट हॉक, तो ऐसे पड़ा इसका नाम स्ट्रीट हॉक। कैसा लगा तुमको बताना, अपने ना वोटिंग करते चलो, स्ट्रीट हॉक रखने का या टीरेक्स रखने का, ये दो नाम के लिए कमेंट करो, जो नाम के कमेंट सबसे ज़्यादा रहेंगे वो अपन डन कर देंगे, टीरेक्स या फिर स्ट्रीट हॉक बताना ज़रूर। फिलहाल हम कैंप के तरफ से आगे बढ़ते हुए, हमेशा की तरह खड़ी मशीन का चौक बिजी, कल नहीं था मगर देखो ना कितना बिजी रहता है ये रास्ता, ये रास्ता हमेशा ऐसे ही रहेगा ना, क्या लगता है कोंडवा वालों पुणे वालों बताओ, ये रास्ता हमेशा ऐसे ही रहेगा, कभी ऐसा रुकेगा शांत नहीं होने वाला ये रास्ता, क्या लगता है तुमको। चलो पुलिस वाले ने हमें जाने की परमिशन दे दिया, देखो अभी मेरे सामने के रुक गया ट्रक, इंडियन रोड्स आर वेरी डेंजरस फॉर द बाइकर्स, वेरी डेंजरस सच्ची में, देखो ऐसे डेंजर चलाते लोग गाड़ी, ये बंदा ना हेलमेट है ना कुछ है ना राइडिंग गियर है, मगर देखो कैसा ओवरटेक करने का, कब से करने का ओवरटेक इसको, और मैं अपना आराम से पीछे पीछे चल रहा हूँ, जब मेरे को जगह दिखेगी जाने के लिए मैं जब जाऊँगा, ये वैसे भी है, देखो देखे 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 आप ही जाऊँगा मैं, खुला रास्ता, रिस्क काई को लेने का रे बाबा। देखो अभी सामने से कितने गाड़ियाँ आ रहे हैं, लोग को देखो सब्र नहीं है, देखो देखो घुसा ऑफिस से यहाँ पे,
अरे थोड़ा सब्र रख लिया करो रे, मैं बहुत सेफ चला था अलहमदिल्ला गाड़ी बहुत सेफ चला था, मगर वो बोलते ना बुरा वक्त रहेगा तो फिर क्या कर सकते। वो लड़के को सब्र नहीं है, बिल्कुल भी सब्र नहीं, रिलैक्स होकर चलाने का रे गाड़ी, रिलैक्स एंजॉय कर गाड़ी को, एंजॉय कर रे, क्या मस्त है देख तेरी भी गाड़ी, एंजॉय कर उसको। नहीं अपन नहीं जाएंगे, हालांकि उससे ज़्यादा पावर है अपनी गाड़ी में, मगर अपन नहीं जाएंगे। अपन कब जाएंगे, अपन अब जाएंगे। यासर भाई कल मेरे को फ़ोन किए थे ना, तो पूछ रहे थे अरे गाड़ी ने परफॉर्म कैसा करी घाट पे, देख लो। वैसे तुम लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में सवाल रहेगा कि घाट पे कैसे परफॉर्म करी, देख लो कैसा परफॉर्म कर रही है, चलती है आराम से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत स्टिफ चढ़ाई थी जो चढ़ के आया हूँ मैं, बहुत स्टिफ है, चलती है भाई। और वैसे भी ना गाड़ी कैसी भी रहने दो, वो राइडर पे डिपेंड रहता कि वो कैसा है, गाड़ी पे डिपेंड नहीं रहता, राइडर पे डिपेंड रहता, हाउ इज द राइडर इज द, समझे बंधु। चलो बढ़ता हूँ मैं आगे, तुम लोग को ये भी तो देखने का रहेगा कि ट्विस्टीज पे कैसे जा रहे हैं हम। ये देखो हम ऐसे जा रहे हैं ट्विस्टीज पे एकदम आराम से, मस्त मक्खन की तरह। ये बस वाला देखो बाइक वाले के मुंह से टर्न मार रहा देख रहा, देखो पीछे उसको अरे तो उतनी बड़ी जगह लगती है उसको, गाड़ी छोटी है क्या वो, देखो क्रैश होते होते बच गया। सबर से चलाओ रे, गड़बड़ मत करो रे। सबसे डेंजर वाला टर्न आ गया है, उस दिन मैं और यासर भाई यहाँ से आ रहे थे ना, तो यहाँ पे ना बार बार एक बंदा यहाँ पे अटक जा रहा था, वो यहाँ से चढ़ा रहा था गाड़ी यहाँ से, अरे इतने कॉर्नर से नहीं चढ़ेगी, टू व्हीलर पे था वो ऐसा घूम के गिर जा रहा था, गिर जा रहा था, उसके साथ एक जन था वो गाड़ी पकड़ ले रहा था उसकी, ऐसा कॉमेडी हो रहा था ना। और जो उसके साथ में था ना पीछे बैठा हुआ जो गाड़ी पकड़ रहा था, वो भी हंस रहा था उसकी हरकत देख के। चलती है भाई बहुत अच्छी है, माइलेज अच्छा, लुक्स अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छा, सब अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो ट्विस्टी के कॉर्नर हम कैसे कर रहे हैं माशाल्लाह, इसके टायर ना बहुत ब्रॉड है, उसके से ना कॉर्नरिंग भी बहुत अच्छी हो जाती, बहुत अच्छी होती कॉर्नरिंग अल्हम्दुलिल्लाह। चलो वो ही गया कंप्लीट पूरा घाट, मज़ा आती है ट्विस्टीज का, कंट्रोल बहुत अच्छा है गाड़ी का, बहुत अच्छी कंट्रोल है। हम तो पहुंच गए भाई साहब फार्म पे, ये देखो कैसा रास्ता है, घास के बीच वाला, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी पहुंच गए, मगर आराम आराम से चला के पहुंचे, जल्दी रश करके जल्दी नहीं पहुंचे। ये आ गया ऑफ रोड पैच, इधर हमने सेटल कर दिया छोटे छोटे ऑफ रोड पे से भी मज़े ले लेते हैं, हाँ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेने का। अब यहाँ का रास्ता देखो कैसा है, हो गया अपना काम, आ गए अपन अपने फार्म अल्हम्दुलिल्लाह।
अरे एग्जैक्ट 10 बजे पहुंचे अपन, देखो माशाल्लाह, मतलब पूरे 50 मिनट में पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव यू, यू बॉट मी सो सून एट द फार्म, अल्हम्दुलिल्लाह। ये यार सच्ची बहुत बड़ी लगती यार, ये कितनी बड़ी लगती यार, ये इसको जितने बार देखूं उतना प्यार होता जा रहा मेरे को, बहुत बड़ी लगती सामने से। कुरान की तिलावत चल रही है, मैं तो अपना सुसु ब्रेक के लिए चला गया था, काम में साफ सफाई का काम चलता है, झाड़ू मारने का काम चलता है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मोहसिन भाई तुम 2-2 बजे तक आने वाले, 1:30 बजे तक आने वाले, 3-3 बजे तक आने वाले फार्म पे, इतने जल्दी क्यों आ रहे हो, क्यों उठ रहे हो इतने सवेरे सवेरे? तो हम पहले भी उठते थे फजर के लिए, मगर अब ऐसा क्या हो गया कि फजर पढ़ के जिम करके डायरेक्ट तुम फार्म पे आ जा रहे हो? दरअसल बात यह है कि एक ग्लिच आ गया था, वो ग्लिच को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है फार्म का, इसलिए हम जल्दी आ रहे हैं। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलो अभी बढ़ते हैं अंदर, इमाम साहब चले गए, साफ सफाई हो गई, अब जो है पत्ती पड़ रही है, पत्ती ऑलमोस्ट पड़ भी गई सबको। सवेरे के 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बजने में और 4 मिनट बचा है, मगर यहाँ पे पत्ती सबको पड़ चुकी है, पत्ती खा रहे हैं सब, तो पत्ती भी खा रहे हैं और पानी भी पड़ रहा है सबको। ये अच्छा है ना, अपन ने जो केजीस के साथ ही वाटर फिल्टर बना दिए, कैसा लगता है इसको पूछेंगे, मोनू कैसा लगता है ये करने में? बहुत आसान हो जाता है ना, खाते भी रहेंगे पीते भी रहेंगे और बाल्टी उठा उठा के तुमको पिलाना भी नहीं पड़ेगा, वो नहीं बोल रहे हो, बाल्टी उठा उठा के पिलाना पड़ता है। कहाँ पे? एक तो अपना जो ये खूटे वाला सेक्शन है वहाँ पे, और एक अपनी जो बकरियाँ है वहाँ पे, ये 2 जगह पे पिलाना पड़ेगा। खस्सी पूरा खा पी के घवानी में आराम कर रहे, वाह वाह हमारे खस्सी वाह, माशाल्लाह। मुफासा कैसा है रे तू, ए मुफासा, मुफासा को आवाज मारे सुल्तान आ गया, हाउ आर यू सुल्तान, सुल्तान इज सेइंग आई एम गुड, ए माशाल्लाह। हमारी बकरियां 2 बहुत जल्दी फारिग होगी इंशाल्लाह, आज क्या तारीख है, 15 तारीख है ना, देखना ये 23 से लेके 28 के बीच में फारिग हो जाएगी, देखना तुम, क्योंकि हमारे पास सब नोट्स में लिखा होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। गैफा वेरी सून इंशाल्लाह यू विल बी फारिग इंशाल्लाह, डोंट टेक टेंशन, तुम लोगों को वक्त रहे, तुम लोग रिलैक्स मारो तुम लोग बच्चों, तुम लोगों को ऐसा देख के मेरे को कितना अच्छा लगता है। इंशाल्लाह इन लोगों के लिए ऐसी जगह बनेगी ना, तुम देखना, सिर्फ इनके लिए नहीं, अपने घर के जितनी भी बकरियों के बच्चे होंगे सारों के सारे के लिए ना ऐसा बनाऊंगा ना इंशाल्लाह, दिल खुश हो जाएगा, देखना तुम लोग। ये जो पत्ती पड़ती है ना, रोज सवेरे पड़ती है ये 9 बजे के आसपास, 8:30 से 9 के बीच में, मगर इसका टाइम हो चुका है चेंज, आज ये पड़ी है 11 बजे। मैंने बोला था ना आपको सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, बस इंतज़ार करिए, आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ मैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे पानी डाला जा रहा है। चलो 11:30 हो गए हैं, मेरा खाने का वक्त हो चुका है, कल शाम में जो है मैंने 7:30 बजे खाना खाया था, उस हिसाब से जो है 11:30 बजे सवेरे हमारी फर्स्ट मील होनी चाहिए 16 आवर्स फास्टिंग के साथ। अस्सियों को देखो ऐसे पानी पिलाया जाता है हमारे पास, जो पानी पीने वाला टाइम है वहाँ पे वो टाइम पे उस घमेले में पानी डाल दिया जाता है, जो सारे खस्सी पी लेते हैं, फिर जैसा जैसा उसे खाली करते हैं वैसा वैसा उसे हमें रिफिल करते हैं। वहाँ पे हमें एक ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाना है, मगर वो फिर क्यों ही लगाना है, जब खस्सियों का बाड़ा ही नहीं रहेगा तो क्यों लगाना है, तो जब तक है जैसे है ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ और आएगा, बस सब्र करो, थोड़ा इंतज़ार करो, गेस करो जब तक यहाँ पे क्या आएगा। कैसा आराम कर रहा था माशाल्लाह, नज़र से बचाए। चलो भाई वैक्सीनेशन डन, आमचा पूर्ण काम झालेला आहे, आता आम्ही जाऊ शकतो, येस, फक्त जोहर पडायची आपल्याला, जोहर की नमाज पडेंगे और फिर निकलेंगे। मी मराठी जाग गई यार, ये ले दवाई रख दे। चलो ब्लॅक मांबा गोइंग फॉर द डे, कल मिलेंगे कल इंशाल्लाह, नमाज पढ़ते और फिर निकलते हैं। चलो कुछ नहीं है अंदर अभी काम, बंद हो जा सिम सिम। चलो हमारा निकलने का वक्त हो गया,
कितने बजे निकल रहे हम, 1:06। चलो डन फॉर द डे गाइस। ट्रैफिक मिलेगा क्या अभी? कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मामूली ट्रैफिक रहेगा सिर्फ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा इंशाल्लाह। 1:06 पे निकल रहे हैं हम, चलो लेट्स गो। देखे सवेरे सवेरे जल्दी उठने का फ़ायदा, अल्हम्दुलिल्लाह सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहुल मुक़रनीन फ़इन्ना इला। यहाँ पे देखो खड़ी मशीन पे आए हम और हमें ट्रैफिक ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? खड़ी मशीन के पास आया मैं, थोड़ा सा ट्रैफिक मिला मेरे को यहाँ पे, यहाँ पे मेरा है ना कम से कम 10 मिनट गया यार, क्योंकि ये ट्रैफिक है ना, वो जो आज दूसरी गाड़ी आने जाने वाली है जो ना वो पास हो रही थी, इसके लिए ये सब ट्रैफिक हुआ था। फाइनली देखो 200 किलोमीटर कम्प्लीट हो गया अपना और बरोबर 2 बज गए, तो ये 200 का उधर डिजिट आ गया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। फिलहाल मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, घर के काफ़ी करीब पहुँच गया था मैं। अब कल इसकी ज़रूरत नहीं, ये हेलमेट और हमारी स्ट्रीट हॉक एक दिन आराम करेगी। हाँ एक दिन आराम करेगी। अम्मा आ गए अबू घर पे। अरे गाइस टुमारो इज वेनेसडे, यासर भाई विल आल्सो बी देयर विद मी, दैट्स व्हाई स्ट्रीट हॉक विल रेस्ट टुमारो। चलो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला वीस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। शेयर द वीडियो मैन, शेयर एज मच एज यू कैन, शेयर टू योर फ्रेंड्स, शेयर टू योर फैमिली, फैमिली कंटेंट तो है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। वंस अगेन बदलाव जरूरी है, जब तक वो फायदा दे रहे तब तक।